हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज का वापस और एक टॉपिक रहेगा कि स्कैम के ऊपर कैसे बातें करते हैं। तो उसमें से एक पॉइंट है, जब भी आप अनियन वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी आइटम हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आप तो अपने हिसाब से जब एक्सपोर्ट करते हो तो आप बोलते हो कि मेरा इतना इतना, लेट सपोज अनियन के एग्जाम्पल दिया, तो अनियन में आपका 29 टन माल जाता है, तो वहां से आप एक्सपोर्ट करते हो, तो यहाँ के बाहर क्या करते हैं, 5-5, 6-6 कम से कम दिन ओपन ही नहीं करते कंटेनर, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते रहते हैं, ध्यान देना उस चीज के ऊपर। और जब फाइनल बिलिंग देते हैं आपको, तो उसमें ना वेट लॉस दिखाते हैं। रियलिटी में 300 किलो से 400 किलो इज मोर देन इनफ कि अगर आपका कंटर 10वें 11वें दिन ओपन होने के बाद 300-400 किलो का वेट लॉस होता है। बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ऐसी बातें बता देंगे आपको, यार 1 टन का वेट लॉस हुआ है ना, 1.2 का वेट लॉस हुआ, 1.3 का वेट लॉस हुआ, तो ये टोटली स्कैम है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपका बायर यहाँ पे इंपोर्टर ऐसा बोलता है कि नहीं इतना वेट लॉस हुआ, तो उसको बोलना कि मेरी पूरी गाड़ी का वेट कर लो कितना था जब आपके पास है, यहाँ पे भी वेटिंग होता है, और जब आप इंडिया से भी एक्सपोर्ट करते हो तो वहां से भी डिटेल्स मिलता है आपको, तो आप मैच करवा सकते हो। ध्यान रखना इतना वेट लॉस नहीं होता है प्रोडक्ट का, तो इसके ऊपर आप उनसे बात कर सकते हैं। बस इतना ही बताना था, नेक्स्ट वीडियो देखते रहना कि आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। और